वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी ने यह आरोप विनोद तावड़े पर लगाया है। वोटिंग से एक दिन पहले पैसे बांटने का आरोप। पालघर में बीवीए कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा भी सामने आया है। तो महाराष्ट्र के वसई विरार में हंगामा हुआ है और बहुजन विकास अघाड़ी ने विनोद तावड़े पर आरोप लगाया है। ये तो तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब चुनाव होना है, जब वोटिंग होनी है, वोट डाले जाएंगे और ऐसे में चुनाव प्रचार भी थम चुका है, लेकिन अब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी। और देखिए किस तरीके से ये हंगामे की तस्वीरें, विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है, बहुजन विकास अघाड़ी का ये हंगामा। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में विनोद तावड़े को, जहां पर कार्यकर्ता जो है उन्हें लेकर हंगामा कर रहे हैं और ये बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। इससे एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था, उसके बाद राहुल गांधी एक है तो सेफ है के मायने बताते नजर आए थे और उस पर विनोद तावड़े ने पलटवार भी किया। और इसी खबर पर नजर बनाए हुए इस वक्त हमारे साथ विनोद जगदाले, हमारे संवाददाता मुंबई से सीधा जुड़ गए हैं। विनोद, ये क्या कुछ खबर आ रही है और अब वोटिंग का दिन बेहद करीब है और उससे पहले ये हंगामा? देखिए, कल शाम को 6 बजे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव का प्रचार खत्म हुआ। इसके बाद जो बीच का समय मिलता है कल शाम को 6 बजे से लेकर अब परसों के सुबह 6 बजे तक, यानी कल के 6 बजे तक, इस दिन छुपा प्रचार किया जाता है। विनोद, आपको रोकना चाहूंगी लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जो है शिवसेना की नेता, वो जुड़ गई है। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 से बात करने के लिए। लेकिन प्रियंका जी, ये जो खबर आ रही है महाराष्ट्र में वोटिंग का दिन बहुत कम समय बचा और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर ये बड़ा आरोप। तो प्रियंका जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बहुजन विकास अघाड़ी ने विनोद तावड़े जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है उन पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पर यह बड़ा आरोप। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, हमारे संवाददाता मुंबई से विनोद जगदाले हमारे साथ बने। विनोद, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्या अपडेट है विनोद? देखिए, प्रचार खत्म हो चुका है कल शाम को 6 बजे। 2 दिन का समय होता है वोटिंग से पहले का। इस दिन छुपा प्रचार किया जाता है, लोगों से मिला जाता है, बात की जाती है, लेकिन ऐसे समय पर यहाँ पर पैसे बांटने का ये वीडियो सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जो वहां पर विरार के विवांता होटल में पहुंचे थे और वहां पर आरोप है कि बहुजन विकास अघाड़ी वहां की क्षेत्रीय स्थानीय पार्टी है जिसका दबदबा 3 सीटों पर है, वसई है, विरार है और नाला सोपारा और बोईसर, इन 4 शहरों में इसका दबदबा। यहां पर विधानसभा की 3 सीटें आती है और वहां पर विरार में पैसे बांट रहे थे विनोद तावड़े। ठीक है, विनोद, फिर से आपको रोकना पड़ रहा है, माफ कीजिए, मैं आपके पास